ओके दोस्तों, मैं हूं एगोक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका सीपीयू पावर इम्प्रूव करवा के ही रहूँगा जक मार के, वो यही वाला वीडियो है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें ताकि कुछ मैस्ड अप ना हो जाए आपके विंडोज़ में। तो सबसे पहले खोले DXDR, जिसे ये खुलेगा। अगर आपको येस या नो पूछेगा तो येस पे क्लिक कीजिए, सिस्टम में जाइए और अपना पेज फाइल मेमोरी देखिए। जैसे कि मैंने 24 GB एक्स्ट्रा रखा है, इसलिए मेरा पूरा 32 GB टोटल हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए हम पहले 30 PC पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। ये वाला परफॉर्मेंस है एडवांस टैब में, इधर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो आपका शायद बेस्ट अपीरेंस पे होगा, आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे भी रख सकते हैं और अपना थंबनेल देखने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। एडवांस में जाएंगे एडवांस टैब में और टोटल फेजिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल ड्राइव्स है, तो आपको चेंज पे क्लिक करना है। आपका शायद पहले से ऑटोमेटिकली मैनेजिंग पेज फाइल साइज़ फॉर ये यहाँ पर टिक होगा, उसको अनटिक करना है। और सी ड्राइव है आपका, शायद कोई अलग ड्राइव ही होगा, अगर जिसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल किया है वही ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। मोस्टली सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट होगा। कस्टम साइज पे क्लिक कीजिए, लेकिन इधर चेंज करने से पहले आप ये पढ़ ले कि रिकमेंडेड 2 GB मतलब 1900 जितना है, लेकिन वो बहुत ही कम है। आपको ये बता दूं कि अगर 1900 होता तो मेरा 3 GB, तो मैंने कुछ यूज़ किए बिना ही 3 GB दिखा रहा है, तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन इधर कुछ छेड़ने से पहले हम जाएंगे दिस PC में। सी ड्राइव में कितना स्पेस बचा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 85 GB है, तो मैं फ्रीली बहुत ज़्यादा भी रख सकता हूँ। अगर आपके पास 15 या GB है, 15 GB या 16 GB, तो आप पहले 8 8000 से स्टार्ट करें। 8000 MB मतलब 8 GB होता है, थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लेकिन आप हम लोग राउंड फिगर में रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है स्पेस है तो 16 GB रखें। अगर आपके पास हाई एंड मॉडल है और आपके पास मतलब आपका हार्ड ड्राइव भी बहुत अच्छा है और ज़्यादा स्पेस है तो 24 GB रखे। और इधर सेट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि रिस्टार्ट या रिस्टार्ट लेटर का होगा, तो आप रिस्टार्ट लेटर पे क्लिक कीजिए क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। तो सेट करें और ओके करें और रिस्टार्ट लेटर पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, अब हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल सर्च बार में। इसको पहले फुल स्क्रीन कीजिए, कहीं पर भी क्लिक कीजिए और L दबाए, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब इसको डबल क्लिक करें। अगर आपका PC थोड़ा स्लो है या ये 5 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है, तो आपके शायद अंदर वायरस या ऐसा कुछ मेस्ट कर रहे हैं विंडोज़ के अंदर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा तुरंत ही खुल गया। यहाँ पर लोकल पॉलिसीज यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जाना है यूज़र राइट्स में। अब इसको फुल स्क्रीन करेंगे और जैसे कि आपका भी एग्जैक्टली इधर ही होगा, लॉक पेजेस इन मेमोरी फुल स्क्रीन करेंगे, तब इसको डबल क्लिक करना है। अब ऐड यूज़र्स और ग्रुप, इधर कुछ भी करने से पहले हम विंडोज स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो ट्रिपल लाइन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। ये जो नाम है आपका PC का, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का, वो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना है, एग्जैक्टली स्पेस के साथ हो तो स्पेस के साथ। जैसे कि मेरा अक्षय है तो मैं लिखूंगा और चेक नेम्स में क्लिक करूंगा। अब इसको ओके करना है। मेरा तो पहले से ही ऐड है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और आपका नाम इधर आ जाएगा, ये जो सेम नाम होना चाहिए। अब इसको ओके करें और क्लोज कर दीजिए। अब पहले TXDR खोले फिर से। अभी ये जो पेज फाइल है वो अभी शायद रिस्टार्ट करने के बाद ये पेज फाइल बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले आप टेंसेंट गेमिंग बडी को एक बार प्ले करके देख लीजिए कि ये बड़ा है कि नहीं बड़ा। इसको रिफ्रेश करने के बाद ये आपको ये फिर से खोलना पड़ेगा, जो भी मैं नहीं कर रहा। आप पहले रिस्टार्ट कीजिए और फिर से यही पे आ जाइए DXDR खोल के। ओके, अगर आपने फिर से रिस्टार्ट कर दिया है तो टेंसेंट गेमिंग बडी खोले और DXDR में फिर से जाइए। चालू करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि कितना पेज फाइल मेमोरी यूज़ हो रहा है। जैसे कि अभी 4 GB दिखा रहा है, तो अभी हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और टेंशन गिविंग बड़ी को रन कर देंगे।
ये TX TIAG जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होगा, इसलिए हमको क्लोज करके फिर से खुलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पहले लॉबी में आ जाएंगे ताकि पूरा यूसेज ले सकें टेंशन गेमिंग बड़ी। हम लोग वैसे देखा जाए तो बार बार बीच में देख सकते हैं कितना पेज फाइल मेमोरी ये ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 7.5 GB तक तो पहुँच ही गया है, लेकिन हम इसको फिर से एक्सिट करेंगे, पहले लॉबी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लॉबी में पहुंच गया, तो फिर से खोलेंगे DXDIAG। आप देख सकते हैं कि 8,300 MB तक यूज़ हो रहा है अभी हम सिर्फ लॉबी में। इसलिए ये चीज़ जो है पेज फाइल मेमोरी, वो आप जितना भी इंक्रीज करेंगे उतना अच्छा है, ये रैम की तरह यूज़ होता है। लेकिन आप केयरफुली यूज़ कीजिए कि सी ड्राइव में कितना स्पेस है, उस तरह से आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका बहुत लो एंड है तो 8 8 GB मैं प्रेफर करूँगा, और अगर आपका 16 GB तो मैं यूजुअली प्रेफर करता ही हूँ, लेकिन थोड़ा और चाहिए तो 24 GB तक आप रख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मेरा डेडिकेटेड GPU है या नहीं, तो आप इधर यही DXTAG में देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है VRAM वो है एक्चुअल डेडिकेटेड मेमोरी, डेडिकेटेड वीडियो कार्ड का मेमोरी होता है VRAM, और जो इंटीग्रेटेड होता है वो शेयर्ड मेमोरी। जैसे कि इंटेल HD या AMD का APU हो तो ये आप मॉडल नंबर खुद का इधर देख सकते हैं। ओके, बैक अगेन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने टेंशन गेमिंग बड़ी फिर से क्लोज़ कर दिया है और DXTAG फिर से ओपन किया है। अभी क्लोज़ करने के बाद मेरा फिर से 4,200 MB यूज हो रहा है। हमने जो लोकल पॉलिसीज़ में राइट्स दिए थे उससे वो अभी अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं। इससे आपका पूरा CPU का परफॉर्मेंस और मेमोरी का मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ऑलमोस्ट 25% तक आपका CPU मेमोरी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करेगा और इसका पावर खुद बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका फ्रेम पर सेकंड अभी बढ़ रहा होगा ये चीज़ होने के बाद। पेज फाइल बढ़ाने से CPU एक्चुअली अपना खुद का हैश रेट ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि उसको पेज फाइल का मेमोरी ज़्यादा मिल रहा है अभी, इसलिए आपका CPU का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं और अब रन गेम करके आप देख सकते हैं कि आपका FPS काफ़ी बढ़ गया होगा और विंडोज़ भी थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चल रहा होगा। अगर आपका 60 FPS अभी भी नहीं आ रहा है और 45 या 40 या 50 आ रहा है FPS और अनस्टेबल है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एक वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड पे आई बटन पर क्लिक करेंगे वो दिख जाएगा, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है मैंने, जिससे आप लॉक FPS कर सकते हैं, कि कोई भी गेम का फ्रेम पर सेकंड आप लॉक कर सकते हैं ताकि उससे बढ़े ना और आपका CPU भी गर्म ना हो, GPU भी गर्म ना हो और स्टेबल चलता रहे। एक्सट्रीम में एक्चुअली 60 FPS पर चलना चाहिए, लेकिन अगर आपका लो एंड है बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप या PC, तो वो बार बार फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा। उससे अच्छा है ये कि आप उसको फ्रेम को लॉक कर दें, फ्रेम पर सेकंड को। दैट्स इट फॉर टुडे, बस यही है। आपको अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे टैग करके। और अगर आपको सच में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया है और आप खुश हैं तो डोनेट करना ना भूलें। मजाक कर रहा था भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Make him spicy, Papa.